हाय स्टूडेंट, आज हम लोग 12 के केमिस्ट्री सेकंड में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म हैलोएल्केन। हैलोएल्केन में समवयता बात की गई कि आइसोमेरिज किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु सूत्र समान तथा संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो। आपको बताया गया कि जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमेरिज। क्या कहेंगे, आइसोमेरिज। ठीक। अब एक चीज ये बात आ रही है कि आइसोमेरिज मीन हैलोएल्केन, जैसे मान लिया कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसे C4H9Cl, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक। तो इसका एक चीज बताया गया आइसोमेरिज में हैलोएल्केन, आइसोमेरिज में हैलोएल्केन में समवयता दो होते हैं, एक होता है चेन आइसोमेरिज और दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज मीन्स बताया गया श्रृंखला समवय भी, और इसके मीन्स क्या बताया गया, स्थान समवय भी। एक चीज ये बताया गया है कि हैलोएल्केन दो प्रकार के समवयता शो करते हैं, एक क्या, एक चेन आइसोमेरिज, दूसरा क्या, पोजीशन आइसोमेरिज। जैसे मान लिया कोई दिया है कि C4H9Cl, तो मान लिया गया अगर चेन आइसोमेरिज में है, तो चेन आइसोमेरिज में आपको बताया कि उसकी श्रृंखला चेंज होती है, ना कि उसकी क्या, इसका पोजीशन, क्लोरीन का पोजीशन जब भी चेंज होगा तो क्या श्रृंखला। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग, पहले नंबर ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी संरचना बनेगा कम से कम दो बनेगा, कितना, दो। जैसे मान लिया कार्बन की संख्या कितना है, चार है, तो चार कार्बन लिख लीजिए, और ये क्या है, Cl, एक Cl लगा दे। अब इसकी बैलेंसी पूरा कर लीजिए, एक हो गया, दो, तीन, एक, चार, ऐसे बैलेंसी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक। देखिए ये बना क्या, कार्बन की संख्या देखिए कितना, चार, एक, दो, तीन, एक, चार, और हाइड्रोजन की संख्या कितना, नौ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, नौ, और Cl का मॉलिक्यूल कितना, एक। अब इसका जो नाम बनेगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, वन, वन पे लगा हुआ है ना, एक, दो, तीन, चार, तो क्या लिखेंगे, वन क्लोरो हो गया, क्या हो गया, वन क्लोरो हो गया। कार्बन की संख्या कितना है, चार, तो चार के लिए क्या हो गया, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही, वन क्लोरो ब्यूटेन हो गया। लेकिन ये कह क्या रहा है कि ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रृंखला समवयवी में, और श्रृंखला समवयवी में बताया गया कि इसका श्रृंखला चेंज होगा, इसका स्थान नहीं चेंज होगा, जब भी चेंज होगा क्या, इसका श्रृंखला। तो जैसे मान लिया गया आप क्या कर सकते हो कि यहाँ एच हो गया, यहाँ पे भी एच हो गया, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका श्रृंखला इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी एच हो गया, और फिर क्या, सी एच, फिर क्या, सी एच। देखिए यहाँ भी कार्बन की संख्या कितना, उतना है जितना यहाँ पे है चेन में, मैंने क्या किया, इसके स्थान को तो नहीं हटाया ना, Cl जो है अपने स्थान पे है, लेकिन इसकी जो श्रृंखला है चेंज हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए R करके यहाँ बना दे रहे हैं, जैसे मान लिया गया CH3 हो गया, फिर क्या है, CH है, यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, और यहाँ पे क्या गया, CH2, यहाँ क्या गया, Cl, इसका यह संरचना बना है। तो इस संरचना में और इस संरचना में देखिए डिफर है कि नहीं, यहाँ पे क्या है,
अब इसका जो नाम लिखोगे एक दो तीन, ठीक है ना, तो इसका नाम लिखेंगे तो ऑलरेडी एक मेथिल समूह छूट जा रहा है, तो इसको ऑलरेडी क्या लिखेंगे, परफिक्स में लिखेंगे, और सी एल भी क्या हो जाएगा, परफिक्स हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे वन क्लोरो, ठीक, और फिर क्या टू मेथिल, क्या हो जाएगा टू मेथिल हो जाएगा, फिर इसके बाद कार्बन की संख्या एक दो तीन, तो तीन के लिए क्या हो गया प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए सी फोर एच नाइन सी एल का ही श्रृंखला समय होता है, बताया गया आपको, इसका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसको चेंज ना किया गया बल्कि इसके श्रृंखला में ही परिवर्तन किया गया। अगला जो है, अगला क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज, क्या कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज, तो पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होता है, सीधे दिखाई दे रहा है स्थान समय में, कि मतलब जिसका स्थान चेंज हो ना कि उसकी श्रृंखला, जैसे मान लिया यही एग्जांपल ले लिया गया कि सी फोर एच नाइन सी एल, इसी एग्जांपल पे हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे मान लिया गया पहला संरचना, तो ऑलरेडी आप इसी तरीके से बना सकते हो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल हो गया, सॉरी यहाँ देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, कार्बन की संख्या कितना है चार है, एक दो तीन एक चार, हाइड्रोजन कितना है तीन दो पाँच दो सात दो नौ, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक एक, तो ऑलरेडी संरचना ये हो गया। इसमें क्या कह रहा है स्थान समयोत्तम, स्थान समयोत्तम यही है कि इसमें इसके स्थान को चेंज करना है ना कि श्रृंखला को चेंज नहीं करना है, जैसे मान लिया गया एक दो तीन और क्या चार, तो यह इसको क्या लिखेंगे वन क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे वन क्लोरो, फिर कार्बन की संख्या कितना है चार है, तो चार के लिए ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया ब्यूटेन, वन क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। तो स्थान में, स्थान समय में क्या करना है, इस सीएल का स्थान चेंज कर देना, जैसे मान लिया दूसरा समीकरण देख लीजिए सी एच थ्री हो गया सी एच टू हो गया, फिर क्या हो गया सी एच हो गया, इस सी एल को यहाँ लगा दीजिए, फिर क्या कर दीजिए सी एच थ्री, एक स्ट्रेट लाइन में ये श्रृंखला थी और उसी स्ट्रेट लाइन में ये भी श्रृंखला है, श्रृंखला में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, जो भी परिवर्तन हुआ किसमें परिवर्तन हुआ, हैलोजन परमाणुओं के समूहों में, ठीक। Cl इस पोजीशन पे लगा था, Cl इस पोजीशन पे आ गया। अब इसका नाम में देखिए एक चीज कहा गया कि अगर संरचना भिन्न बनेगा तो नाम भी क्या होगा भिन्न होगा, देखिए एक हो गया दो हो गया तीन हो गया फिर क्या चार। अब आप कह सकते हो कि इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया गया, तो इसलिए इधर से नहीं किया गया क्योंकि इधर से पहला दूसरे पे क्लोरीन समूह है और इधर से पहला दूसरा तीसरे पे आ जाता है, तो जिधर से कम कार्बन पे कोई क्लोरीन समूह या हाइड्रोजन समूह या क्रियात्मक समूह आते हैं उधर से नंबरिंग की जाती है, तो क्या लिखेंगे नाम हो जाएगा टू क्लोरो, क्या हो जाएगा टू क्लोरो, फिर कार्बन की संख्या कितना है चार है, तो चार के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई हो जाएगा, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा क्या टू क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरीके से समय भी हम लोग बना सकते हैं। अब कुछ वर्क के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए, समय भी आप दिखाएंगे, और एक चीज ये भी जान लीजिए कि इनमें तीन से कम कार्बन परमाणु कोई समय भी प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये ध्यान रखेंगे, तो नोट कर लीजिए सी फोर एच नाइन बी आर सी थ्री एच सेवन सी एल, तीसरा लिख लीजिए सी फाइव एच अलेवन सी एल, चौथा नोट कर लीजिए सी सिक्स एच थर्टीन आई। इतने का समय भी बनाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अगले लेक्चर में बता देंगे, और कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। एक चीज़ ये बताया गया कि इसका दो संरचना, एक का कम से कम दो संरचना आपको बनाना है, और उसमें क्या बनाना है आपको ध्यान रहे कि एक चैन आइसोमेरिज बनाना है, दूसरा क्या पोजिशन आइसोमेरिज। इतना आप सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ा जाएगा, बस धन्यवाद।